के अवसर पर नगर परिषद की ओर से एक अभिनव पहल के तहत चौपाटी में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान चौपाटी में किस हजार दीपक जलाए गए। कार्यक्रम में चूरू के हजारों लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और नगर परिषद की इस अनूठी पहल की सराहना की। इस दौरान जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, विधायक हरलाल सहारण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपने हमारे विधायक महोदय का भाषण सुना होगा। इस समस्या के निराकरण के लिए डीपीआर बनकर तैयार हो रही है। पैसा हमारे पास स्वीकृत अमृत योजना में। जिला कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय इस प्रयास में लगे रहेंगे कि अगली बार ये समस्याएं हमारे सामने नहीं आई। और अनूठा नवाचार, चूरू चौपाटी में 21,000 दीपकों को दीपदान कार्यक्रम में आज पूरी चौपाटी में सजाया गया है। और इस मौके पर लॉयंस क्लब ने स्वच्छकार भाइयों के सम्मानित करने के लिए उनको पोशाक वितरित किए हैं। इस चौपाटी में जो नज़ारा हम देख रहे हैं, यहाँ हमारी लोक संस्कृति अभी सजीव हुई है और सब लोग धर्ममय हो रहे हैं। लगता है कि भगवान राम के आने की तैयारी में ये चौपाटी सजी है। मैं आयुक्त को बधाई देना